सब अच्छे से सीख रहे हैं। जल्द ही तुम्हें सभी जानवरों की आवाज का मतलब पता चल जाएगा। कुछ आवाजें सच में मदद की पुकार होती हैं। और ये कौन से जानवर की मदद की पुकार थी? ये एक बूढ़े भालू की पुकार थी जिसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। हेलो बलू, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, कैसे हो तुम? ऐसे और नहीं चल सकता, हमारे बच्चों को आराम और शांति की जरूरत है, इतने शोर की नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो पैदा भी हो गए। बधाई हो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शोर एक परिवार को बड़ा करने के लिए ये माहौल बिल्कुल सही नहीं। वाकई, लेकिन हम तो माफ करना, हमारी वजह से नन्हे मुन्नों की नींद खराब हो गई। जब तक मैं यहाँ अपनी कमर को आराम देता हूँ, तुम दोनों कहीं और जाकर खेलो। सबक नंबर एक, मैं इंतजार कर रहा हूँ, हम उस इलाके को अच्छे से देखते हैं। मैं सब कुछ करीब से देख रहा हूँ। ये ठीक नहीं है, आज कोई खेल नहीं है, ना ही कीचड़ में फिसल रहा है। हाँ सच में बिल्कुल ठीक नहीं, और ये सब गजल गज के सबक की वजह से हुआ है। तो मेरे नन्हे मगरमच्छों, क्या तुम अपनी टब्बा की नैनी को नमस्ते नहीं कहोगे? क्या बोल रहे हो, हमारे डैड जकाला ने तो नैनी के बारे में कुछ नहीं बताया, खासकर एक बालों वाली नैनी। लेकिन वो महान जकाला ही थे जिन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं जब तक कि वो गजल गज को सबक सिखाकर वापस नहीं लौट आते। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हम मगरमच्छ दल दल के राजा है, तुमने हमारे दांत नहीं देखे? हाँ इतने अच्छे नहीं है, तो अगर मैं तुम्हारे पिताजी की बात मानूं तो तुम अभी भी शिकार के लिए तैयार नहीं हो और ना ही खुद को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता उन्होंने तुमसे ऐसा कहा होगा लोमड़ी। तुम अपनी नैनी से इस तरह बात करोगे? क्या तुमने वो सुना? हेलो तबाकी, तुम चंपा के साथ क्या कर रहे हो? चलो अब जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? जकाला ने वापस आने तक मुझे इनका ध्यान रखने को कहा है, मैं बस इन्हें सिखा रहा था कि एक शिकारी से अपना पीछा कैसे छुड़ाए, है ना बच्चों? तबाकी नानी, तुम अब तबाकी नानी हो? तुम ये काम कब से कर रहे हो? क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या तुम मुझे भी ये करना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसे कि अब हम सीख सकते हैं अपनी पूंछ हिलाना है कि नहीं, और अपनी फर भी लिक कर सकते हैं। और जब हमारे फर ही ना हो तो क्या करें? उप्स, माफ करना, ये उन दूसरे बच्चों के लिए है जिनका मैं ख्याल रखता हूँ, फर वाले बच्चे। मुझे लगा वो कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, तीसरा सबक याद है। चुपके से शिकार के करीब पहुँचो। तुम्हें वाकई लगा कि हम तुम्हारे नैनी होने की कहानी पर भरोसा कर लेंगे? कायर कहीं के, छोटे लाचार बच्चों पर तुम हमला करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा छोटा सा जबड़ा इतना ताकतवर नहीं कि मैं मगरमच्छ की खाल चबा सकूं? मुझे बेवकूफ मत समझो तबाकी, तुम झूठ बोल रहे हो और ये मैं साबित कर सकता हूँ। क्या मैं तुमने देखा कि उनका पेट कितना मुलायम है, तुम्हारे दांत उसे बिना किसी मुश्किल से फाड़ सकते हैं। मुझे अपने दादी जकाल और गजल गज के पास जाना है, कछुओं का शिकार करने। भालू देवता की कसम, याद है ना उनकी उम्र में बच्चों को भागना और खेलना चाहिए? तुम देखना हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे, तुम्हारी सोच से बहुत जल्दी। हमें जकाला को कछुओं पर हमला करने से रोकना होगा, पर हम इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे मेरे घर जाना है। हम घर में ही हैं बेवकूफ। hey, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या बात है, तुमने इन्हें चुप करा दिया। ठीक है, हम सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। क्या मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं आऊंगा तो तुम्हें वक्त लग जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही बचकर निकल सकते हो? हम तुम्हें बाद में देखेंगे। ठीक है नन्हे मगर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कछुए किनारे पर हैं और बच्चे सो रहे हैं। सबक नंबर नहीं, मैं बच्चों का शिकार नहीं करना चाहता, मैं उसका शिकार नहीं करना चाहता जिस पर कवच हो, ये बहुत बुरा है। एक मगरमच्छ चला सागर में, कह के बाय बाय अपने बच्चों को, मिट्टी में वो पड़ा रहा कदम, चल पड़ा वो
कछुओं से लड़ने था उसमें दम दम था उसमें दम दम बेचारा मगरमच्छ फिर वापस आ गया किनारे पे सबको आती है नया बेचारे पे। देखिए ये कितने प्यारे हैं। आगे बढ़ो दोनों के लिए एक एक, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं उस जानवर को नहीं खा सकता जो मुझे देखकर मुस्कुराए। मेरी कमर था उसमें दम दम था उसमें दम दम फिर वापस आ गया किनारे पे सबको आती है नया। चकाला नहीं लगता है चकाला को कुछ हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत करो हम सब संभाल लेंगे। मुझे मोगली की मदद करनी होगी, क्या तुम इन पर नजर रख सकती हो अबू? चकाला के बच्चे तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। आगे बढ़ो बगी। इसके मुंह को खुला रखने के लिए हमें कुछ करना होगा। रुको मेरा बच्चा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोगली सबको बचा लेगा। क्या तुम अपना मुंह खोलोगे या नहीं? भालू देवता की कसम कमर की दर्द ठीक हो गई। शुक्रिया मोगली। अंदर सब कैसा था? क्या बहुत अंधेरा था? क्या तुम्हें खाए जाने का डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे पता था कि क्या होने वाला है, यही तो है सबक नंबर एक। सब कुछ ध्यान से देखो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, बच्चों पर हमला करते हो इतने बड़े और ताकतवर होके। मैं अपने बच्चों को शिकार करना सिखाना चाहता था, पर इनके लिए इनकी साइज का शिकार ढूंढना आसान नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। पर दबा की नैनी हम सबको खाना चाहती थी। सच में? मैं खुद को दिखाना चाहता था कि मैं शिकार कर सकता हूँ, पर मैं तो एक चूहा भी नहीं पकड़ सकता। कोई मुझे रोको, इससे पहले मैं इसे जिंदा निकल जाऊँ। बस कीजिए डैड। तुम्हें क्या लगा तुम सही कर रहे हो? तुमने अपने बच्चों को यूं अकेला छोड़ दिया जबकि यहाँ चारों तरफ इतने शिकारी है। हाँ पर ये सब ना हुआ होता अगर हमें कहीं और जाकर खेलने को ना कहा गया होता। दोस्तों शोर का मतलब जिंदगी भी होता है।